नमस्कार बच्चों, तो चलिए अब हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग दो कक्षा सात का पाठ पांच मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं। मिठाई वाला भाग पाठ के हमने दो भाग पहले ही पढ़ लिए हैं, अब हम भाग तीन और चार पढ़ने चलते हैं। तो चलिए अपनी पुस्तक पृष्ठ संख्या 26 निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इन पंक्तियों को, इन लाइनों को दोहराते रहिए। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब रोहिणी अपने घर में बैठी बैठी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी जो मुरली वाला उन बच्चों से कर रहा था, और वह मन ही मन सोचती है कि ये मिठाई वाला कौन है, इतनी सस्ती ये मुरली वाला कौन है, इतनी सस्ती मुरलियां कैसे दे जाता है बच्चों को। और वो बार बार इन बातों के बारे में सोचती है और सोचती है कि शायद कोई मजबूरी है जो इसको ऐसा काम करना पड़ रहा है। इस समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई देता है, क्षीण यानी धीमा सा स्वर दूसरी गली में से सुनाई देता है। कौन सा स्वर? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेहशिक्त बातें याद आती रही। उसके बच्चों के प्रति स्नेहशिक्त बातें यानी कि वो बच्चों से जिस तरह से प्यार भरी बातें करता है वह उसको याद आती रही है। महीने के महीने बीत चले हैं और फिर मुरली वाला अब कभी नहीं आया है। धीरे धीरे अब उसकी स्मृति यानी उसकी यादें भी क्षीण हो गई हैं, यानी धीरे धीरे उसकी यादें भी अब धुंधली हो गई हैं। अब 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। सर्दी के दिन है, रोहिणी अपने स्नान करने के बाद अपने घर की छत पर चढ़ी हुई है और उसके आजानुलंबित यानी कि घुटनों तक उसके लंबे लंबे बाल, वो अपने घुटनों तक लंबे लंबे बालों को वहाँ ऊपर छत पर सुखा रही है। इस समय नीचे की गली में उसे एक स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था यानी जाना पहचाना था। छत से तभी से रोहिणी नीचे उतर आई, छत से जल्दी से रोहिणी नीचे आई, छत से नीचे आ गई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, घर पे नहीं थे, उनकी वृद्धा दादी थी यानी बूढ़ी दादी घर में थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूंगी। यहाँ पर लेखक ने उस समय की पर्दा प्रथा के विषय में बताया है कि तब औरतें किसी पराये पुरुष के सामने सीधा ही नहीं आ जाया करती थी, वो एक पर्दे की ओट में रहा करती थी, किंतु दादी माँ जा सकती थी। और इसलिए वह दादी माँ से कहती हैं कि आप ही उस मिठाई वाले को बुला लीजिए और चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, हाँ यहाँ पर चीख का मतलब है जो मैट का बना हुआ पर्दा होता है उसको बोलते हैं चीख, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, पास में आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं, कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ मैं, पैसे में ये गोलियां 16 देता हूँ। दादी माँ बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, मतलब 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, 2 4 की दे दो यानी 4 पैसे की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। दादी माँ कहती है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता है, तो मैं ऐसा करो 25 नहीं देते हो तो 20 ही दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट छूट गई, पोपला मतलब इसमें दांत नहीं है,
दादी अब बूढ़ी हो चुकी है, उनके मुंह में दांत नहीं है और उनके मुंह से हंसी फूट पड़ती है। क्यों? जब वो कहती है कि मुझे मोल भाव नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, तुम 20 ही दे दो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। दादी जैसे ही कथन को बोलने, रोहिणी की बात को बोलने जा रही थी तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, चीख यानी पर्दे की आड़ से बोली, उसके पीछे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला खुश होके संशय के साथ और विस्मय भाव में डूबकर, कुछ सोच में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेके आया था, इससे पहले खिलौने लेकर आया था, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठती है। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा बेटा, यानी ये तो कार्य तुम करते हो, तुम्हें क्या बचत होती होगी? वह बोला, मिलता भला कुछ नहीं, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम यानी बहुत ज्यादा सुख जरूर मिलते हैं और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्या चर्चा हो, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आप दुखी ही होंगे। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, हर्जा यानी कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा तुम्हें ये बातें बताने में कि तुम इतना सस्ता क्यों बेचते हो। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, प्रतिष्ठित यानी कि पैसे वाला धनवान व्यक्ति था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, मतलब मैं अपने सोने का संसार यानी कि मैं अपने उस परिवार में बहुत ज़्यादा खुश था। बाहर संपत्ति थी, वैभव था, वैभव यानी मेरा नाम था, भीतर सांसारिक सुख था और घर में मुझे बहुत सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, उनकी अटखेलियों के माने, उनके जो खेल था, वो जो बच्चे जो मस्ती करते थे, वो मेरे घर में जो शोर शराबा मचाते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे, तो यही कहीं कि उसके बीवी बच्चे अभी धरती पर नहीं है, किंतु वह उनको अपने बच्चों की याद में ही इन बच्चों के लिए मिठाई, कभी खिलौने, कभी मुरली लेके आता है ताकि वह उन बच्चों के साथ मिलकर अपने उन छोटे छोटे बच्चों को याद कर सके। आखिर कहीं ना जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता गुल गुल कर मरता। ये तो सब कहते ही हैं कि मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है, इसी आस में ये व्यक्ति कभी मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है और कभी मुरली बेचता है। आखिर कहीं ना जन्मे होंगे तो उस तरह रहता, कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती, ऐसा जान पड़ता जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो पैसे तो बहुत हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आंसुओं से तर थी, मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल तभी कागज की दो पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ हमारा ये पाठ मिठाई वाला पूरा होता है। आप इस पाठ को अपनी उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक में एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। मैं बलकेश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।